नमस्ते, मैं आपको आपके कस्टमर जब ऑनलाइन बुकिंग करके आएगा हमारे मेट्रो पार्क प्लस ऐप से, तो आप रिसीव कैसा भी करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट डेमो दूंगा। तो ये मेट्रो पार्क प्लस ऐप iOS एंड एंड्रॉयड से यूज़र डाउनलोड करते हैं, और जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे, जो सिटी में रहते हैं वो सिटी का पार्किंग का मैप वहाँ दिखता है, और उसके आजू बाजू के पार्किंग का लिस्ट भी इधर दिखता है जैसे ही वो ऐड करते हैं। अब वो क्या करेगा, आजू बाजू के पार्किंग देखेगा, अगर नहीं है तो अगर घर में है और आपके पार्किंग में उसे आने का है, तो वो आपका पार्किंग लोकेशन यहाँ सर्च भी कर सकता है, और उसको वो सिटी के पूरे पार्किंग लोकेशन दिखते हैं, और इसमें उसके टाइमिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कब खुला है, चार्जेस क्या है, इसकी जानकारी यहाँ रखते हैं, कितने फ्री स्लॉट्स हैं, ग्रीन यानी फ्री, और जैसे ही वैसे बुक होता है वो स्लॉट रेड हो जाता है, तो रिजर्व करता है यहाँ से उसने, तो उसे एक जानकारी के लिए उसे कहते हैं कि एडवांस रकम भरनी चाहिए, और अभी एक मिनट का हमने क्लॉक लिया है, तो एक मिनट में उसको आपके पार्किंग लोकेशन में पहुंचना चाहिए, लेकिन आपके ऐप में से अगर आप वेट टाइम 30 मिनट करें तो वो 30 मिनट्स में आपको पार्किंग में पहुंचेगा, तो वो एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है अपने गूगल पे या क्रेडिट कार्ड वाटर मीन्स में, और जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो ये पेमेंट गेटवे से अपने ऐप में आएगा, और उसे ऐप को पता चलेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो ऐप बोलेगा कि अभी एक मिनट का वक्त है जो आप पार्किंग के ऑपरेटर पे पहुंचना चाहिए, तो ये दिख रहा है कि प्लीज रीच द लोकेशन बिफोर, यहाँ जो एक क्लॉक दिखता है एक मिनट का क्लॉक है, और जैसे ही वो एक मिनट हो गए वो इसका एक्सपायर हो जाएगा, तो वो घर से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही आपके पार्किंग में आ गया तो इसका नंबर इधर बोलेगा कि ये मेरा रिजर्वेशन है, तो पहले आप देख सकते हैं कि किसने रिजर्वेशन किया है, ये भी आपको देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ व्यू का बटन है, इसमें आपका ये रिजर्वेशन दिख जाएगा इसको, तो ये कार के रिजर्वेशंस और बाइक के रिजर्वेशंस, तो ये जो बाइक है कार है वो रिजर्व इधर केस है, अगर सपोज 30 मिनट में वो नहीं आए तो आप यहाँ उसको, अगर लेट हुआ या आपके पार्किंग में बड़ी लाइन है और वो आपके पास पहुंच नहीं सके, तो क्या होता है कि यहाँ उसमें पता चलता है कि योर रिजर्वेशन इज एक्सपायर्ड, बट प्लीज शो दिस मैसेज टू पार्किंग ऑपरेटर, इन केस पार्किंग इज अवेलेबल देन पार्किंग ऑपरेटर विल प्रोवाइड यू पार्किंग स्लॉट विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। तो पैसे तो एडवांस भरे इस वही इसने, तो ये मैसेज जाएगा, अगर एक्सपायर हुआ तो ये मैसेज आपको यहाँ दिखाएगा, तो अगर सपोज वो आया ही नहीं, दो घंटे आया ही नहीं सपोज, तो आप कितना देर रुक सकेंगे, तो जैसे ही आप ये फ्री किया, अगर इसमें फ्री पार्किंग किया ये, तो वो स्लॉट फ्री हो जाएगा और बाद में उसके पैसे भी चले जाएंगे, पैसे नहीं तो उसे दोबारा रिजर्वेशन करना पड़ेगा, तो अभी आप हम फ्री नहीं करेंगे, और जैसे ही आएगा तो उसका नंबर इधर टाइप करना चाहिए, उसका नंबर क्या है, आई थिंक इट इज RH है ना कुछ, RH 9492 क्या 9491, ठीक है, तो पार्किंग रिजर्व फ्रॉम यूजर्स ऐप, वो चेक करता है कि रिजर्वेशन का है, अगर रिजर्वेशन का नहीं है तो आपको इधर मैसेज आएगा कि इसने रिजर्वेशन नहीं किया है, तो आप ये एक्सेप्ट करना चाहिए वो रिजर्वेशन, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे
जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ रिसिप्ट निकलेगा, यहाँ से एडवांस जितनी रकम भरी है वो स्टार्ट टाइम यहाँ लिखेगा। और अगर आप जैसे ही उसके ऐप में क्या होएगा उसको भी पता चलेगा कि इसने एक्सेप्ट किया है, और या भी पार्किंग का टाइम उसके ऐप में भी दिखेगा ये क्लॉक। तो ये मीटर डाउन शुरू हो गया सर उसका काउंटिंग। अब जैसे ही वो फिर चेकआउट करने आएगा तो उसका नंबर यहाँ आप एंटर कीजिए। अब वो चेकआउट करने आए सो है, हाँ, और चेक कीजिए। तो जैसे ही तो ये बिल निकलेगा तो इसको पता चलेगा कि अभी ये चेकआउट का टाइम है, चेक इन का गाड़ी नहीं है, चेकआउट का गाड़ी है। तो वो पूरा बिल इधर आएगा कि उसने एडवांस 11 रुपये भरे सो है, टोटल बिल 1100 है, ये तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ उसका, और बाकी 0 है। तो अगर आप फ्री पार्किंग कर दीजिए तो ये उसका रिसिप्ट निकल जाएगा कि चार्जेस 10 रुपये चार्जेस है। हमारी ये सुविधा के लिए हम 10% कन्वीनियंस फी लेते हैं, और सो टोटल यूज़र कस्टमर 11 रुपये पे करता है, उसमें से 10 रुपये आपको मिलते हैं और मेट्रो पार्क टू 1 रुपया मिलेगा। और जैसे ही आपने रिसिप्ट निकाली तो उसमें ऐप में उसका भी ये क्लॉक निकल गया उसके ऐप में से ऑटोमेटिकली, सो दूसरा बुकिंग करने के लिए वो शुरू करेगा। ओके okay?